एक समय की बात है, चिड़िया कहीं जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में चिड़ा मिलता है। चिड़ा बोलता है, चिड़िया बहन कहीं जा रही हो, जरा रुक जाओ। चिड़िया रुक जाती है, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों रोका। चिड़ा बोलता है, मीठी मीठी हवा चल रही है, चलो बाग में खेलें। मैं कैसे खेलूं, मुझे दाना इकट्ठा करना है, जब बरसात आएगी तो छोटी छोटी चिड़ियां क्या खाएंगी। मुझे घर भी ठीक करना है, बरसात आएगी तो घर टूट भी सकता है। चिड़ा, हम तो चले खेलने, तुम जाओ। चिड़िया खाना लेने चली जाती है, चिड़िया अपने काम में लग जाती है। वह साल भर के लिए अनाज इकट्ठा कर लेती है। चिड़िया सारा सारा दिन काम करती है, मुझे तो घर की मरम्मत भी करनी है। फिर अपने घर की मरम्मत करने लग जाती है। एक दिन बादल आ गए, बरसात होने लगी। चिड़ा भागता हुआ आया, चिड़िया चिड़िया बहन दरवाज़ा खोलो, मुझे भी अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। अब मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ, जब तक बारिश रहेगी तब तक रहूँगा और फिर चला जाऊँगा। चिड़ा गिड़गिड़ाने लगता है। चिड़िया बोली, चिड़ा भाई, हमने पूरी साल काम किया है, तुमने अपना घर नहीं बनाया, मुश्किल वक्त के लिए अनाज भी इकट्ठा नहीं किया, जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। चिड़िया बहन, इस बार मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से ध्यान रखूँगा और घर भी बनाऊँगा और अनाज भी इकट्ठा करूँगा। चिड़िया ने कुछ चावल दे दिए और बोली, ये खा लो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चिड़ा अपनी रोती हुई शक्ल लेकर चले जाता है और बोलता है, आज मुझे सबक मिल गया, आगे से मैं खूब मेहनत करूँगा और सफल होके बताऊँगा।